Hi guys, welcome to Manuver. In this video, we'll talk about NCERT 2024 preparation. अगर आप 24 के लिए preparation चालू कर रहे हो, ये video आपके लिए काफी ज़्यादा important होने वाला है, because अभी recently NCERT 23 का exam हुआ है. So what we can learn from the CET 23 और कुछ do's and don't, कुछ important pointers हैं जो अपने को ध्यान में रखना है 24 का अगर अपने को exam निकालना है. Visit या SPIT जो भी college आप target कर रहे हो, MCA को लेके, STPU पुणे target कर रहे हो या विवेकानंद college target कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि NCERT की प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. 2022 एंड 23 में भी सेम ट्रेंड फॉलो हुआ है. सो अगर आप 24 प्रिपेयर करें तो ये सारे पॉइंटर्स दिमाग में रखो, ठीक है. सो लाइक एवरी ईयर, दिस ईयर ऑल्सो आई हैड अपियर फॉर द NCERT और पेपर मुझे मॉडरेट लेवल का लगा. कुछ सेक्शन ईजी भी थे, कुछ टफ भी था सेक्शन, बट लोगों ने फोड़ा है. अगर पढ़ाई की थी आपने अच्छे से तो फिर अच्छा स्कोर डेफिनेटली लोगों का आएगा. सो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि CET का पेपर अनप्रिडिक्टेबल पेपर हो गया है, ठीक है. मतलब हम कुछ भी, मतलब एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है. सिलेबस और तो उन्होंने दिया हुआ है, उस सिलेबस में से भी आपको ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है, वेटेज वाइज और सेक्शन वाइज टॉपिक वाइज, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा. इसके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पास्ट ईयर का पेपर एनालिसिस. 22, 21, 23 हर साल का पेपर का एनालिसिस मैंने दिया हुआ है, गो एंड वॉच दैट वीडियो. या तो अगर आपने मैन्यूअर का क्लासरूम या लाइव क्लास ज्वाइन किया हुआ है, यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर फॉर द बैचेस. सो क्लासरूम में व्हेनेवर आई टेक द सेशन, आई विल कीप ऑन डिस्कसिंग अबाउट दिस पार्ट. एंड यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑल योर डाउट क्वेरी विद रिगार्ड्स टू दिस सेक्शन प्रिपरेशन एंड ओवरऑल NCERT प्रिपरेशन, ठीक है. सो एक तो अनप्रेडिक्टेबल पेपर है, दूसरा भाई जितनी मेहनत कर लो, जितनी पढ़ाई कर लो, मैथ्स का सेक्शन कभी भी ईजी नहीं आने वाला NCERT के एग्जाम में. इस साल का भी पेपर मैथ्स से क्वेश्चन कुछ टफ थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ इजी भी थे. तो मैथ्स का सेक्शन तो अपन को हर बार समझ के चलना है कि भाई ये टफ आने वाला है. तो अगर आपका मैथ्स वीक है, बेसिक कैलकुलेशन सबसे पहले काम करो, उसके बाद आपका कंसेप्ट पे काम करो, इजी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सो दैट अपना मोराल ऊपर हो. उसके बाद हम टफ लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और शॉर्टकट्स पे काम करेंगे. उसके बाद टॉपिक टेस्ट एनालिसिस ये सारे काम करने हैं, ठीक है. तो मैथ्स के सेक्शन को लेकर डे वन से पढ़ाई चालू कर दो. अभी चल रहा है आपका मार्च इज अबाउट टू एंड, जिस दिन भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो स्टार्ट कर दो आपकी NCERT की प्रिपरेशन. नेक्स्ट ईयर मार्च में अपना एग्जाम होगा, तो एक साल तक का अपने पास टाइम है. पूरा सिलेबस हम दो बार पढ़ाई करेंगे और मैथ्स को तो तीन बार प्रैक्टिस कर डालो, मतलब कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ओके. सो अपना टारगेट है कि 100% NCERT में लेके आएंगे या तो 99+% 99.9x% पे जाएंगे. विजिट या SPIT का ही कॉल चाहिए अपने को फॉर द एडमिशन, ठीक है. तीसरा जो पॉइंट है वो है वोकैब. एज यूजुअल बीइंग एन इंडियन वी आर रिलक्टेंट टू रीड, हम थोड़ा न्यूज़पेपर रीड नहीं करते, हम रीडिंग पे काम नहीं करते. 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं इंटू टू 40 मार्क्स के लिए. इस साल कम से कम 10 से ज़्यादा प्लस क्वेश्चन वो वोकैब वाले थे. तो वर्ड पावर मेड इजी, रेड कलर की बुक दिख रही है, ये बुक रेड कलर की, ये बुक आपको विदाउट फेल दो बार पढ़ लेनी है. ढाई महीने में पूरी बुक कवर कर लोगे. इसको कैसे करना है मैं क्लास में बताता हूँ, लाइव क्लास में बताता हूँ. डेली बेसिस पे आपको वर्कआउट करना है, मंडे टू फ्राइडे 1-1 सेशन, सैटरडे संडे रिवाइज करना है अपने को. तो पूरे साल में दो बार इसको कर डालो, आपका वोकैब अच्छा हो जाएगा. ये तो एंट्रेंस के लिए अपने वोकैब नहीं कर रहे, मतलब यहाँ तो हम फोड़ेंगे ही, आगे आप जब आप जॉब पे भी जाओगे, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाओगे, तो वहाँ पे भी अपने को काम आएगा. तो इंग्लिश पे अपने को काम अच्छे से कर लेना है. फोर्थ पॉइंट इज नथिंग बट रिसोर्सेज. क्या स्टडी मटेरियल आप प्रीफर कर रहे हो, हु इज़ द मेंटर, टीचर्स कौन है, आपको गाइड कौन कर रहा है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, ये सारी चीज़ें मैटर करती है आपकी प्रिपरेशन को. एंट्रेंस में 20% तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको गाइडेंस प्रॉपर मिले, आपका रिसोर्सेज, टेस्ट सीरीज, बुक्स हो गया, आपका स्टडी मटेरियल हो गया एंड लेक्चर्स जो हो गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज वाई एट मैन्यूअर वी गिव द प्री रिकॉर्डेड सेशन. एक तो प्री रिकॉर्डेड वीडियोस मिलता है, फिर आपके लेक्चर्स होते हैं लाइव या क्लासरूम, और फिर आपको स्टडी मटेरियल फॉर द प्रैक्टिस पर्पज और टॉपिक टेस्ट, ठीक है. क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन है तो आप जितना टॉपिक टेस्ट लिखोगे ऑनलाइन उतना बेटर होगा आपके लिए, बिकॉज एग्जाम कंप्यूटर पर होने वाला है, ठीक है. एंड लास्ट पॉइंट इज नथिंग बट मॉक वर्सेज एनालिसिस. हम मॉक लिखते ही नहीं है, या तो हम सोचते हैं कि यार लास्ट में आराम से एग्जाम के एक महीना पहले मॉक लिखेंगे, नहीं, वो नहीं करना. कोशिश ये करो कि जून जुलाई ऑनवर्ड्स एक एक मॉक लिखना चालू कर दो. दिस ईयर वी विल बी लॉन्चिंग 20 मॉक फॉर द NCERT प्रोग्राम. अभी तक 10 मॉक थे, अभी नेक्स्ट ईयर 24 में हम 20 मॉक लॉन्च करेंगे. सो एवरी मंथ जून में आपने एक मॉक लिखा, जुलाई में एक मॉक लिखा, अगस्त, सितंबर, नवंबर ऑनवर्ड्स हम थोड़ा सा मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे, दो दो मॉक पर मंथ में आ जाएंगे, ठीक है. सो 23 का एग्जाम देके ये समझ में आ रहा है कि आप भी 100% या तो CET में टॉप मार सकते हो, आप टॉपर बन सकते हो. सिर्फ आपको राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी है, राइट कंटेंट पढ़ना है आपको, और आपके अंदर भी वो आग एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ मुझे तो भाई एग्जाम क्रैक करना ही करना है, ठीक है. एंड बिफोर यू स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन, एग्जाम के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लो, दो दिन लगाओ, तीन दिन लगाओ, NCERT एग्जाम के बारे में डिटेल स्टडी कर लो कि व्हाट दिस एग्जाम डिमांड्स, एंड देन स्टार्ट योर प्रिपरेशन. बाकी बैचेस को लेके डिटेल्स इज गिवन हियर, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डिटेल्स दिया हुआ है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन. स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरी यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू. ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.